आज हम इंडिया के प्रतिष्ठित बिल्डर श्री निरंजन हिरानंदानी के साथ हैं श्री निरंजन हिरानंदानी जो हिरानंदानी कंस्ट्रक्शंस के मैनेजिंग डायरेक्टर है एक इंडस्ट्री वॉइस की हैसियत से उनकी काफी रिस्पेक्ट है एंड ही इज अ नोन वर्ल्ड ऑन रियल इस्टेट इश्यूज अ नोन अथॉरिटी ऑन रियल इस्टेट इश्यूज हम बात करेंगे श्री निरंजन हिरानंदानी से निरंजन जी वेलकम टू द शो थैंक यू सर पहला सवाल आपसे मैं ये करूँगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग फ़ॉर द कॉमन मैन एक ऐसा विषय है जिसमें बातें बहुत होती है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा करके देखने को नहीं मिलता तो भारत की पॉलिसीज़ में या जो सिस्टम में हम काम कर रहे हैं उसमें ऐसी क्या खामी है वॉट इज द शॉर्ट कमिंग द लैक्यूना कि अफोर्डेबल हाउसिंग फ़ॉर द कॉमन मैन सिर्फ एक थियोरी बन के रहेगी उसका कारण बहुत ही ईजी है पॉइंट नंबर वन आप देखिए जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की तो वी गॉट फूड फॉर ऑल हमने एविएशन रेवोल्यूशन किया तो लो कॉस्ट एयरलाइंस बन गए हम टेलीकॉम रेवोल्यूशन किए तो तैंतीस रुपये पर मिनट के एयर टाइम को एक रुपये मिनट से कम हो गए इस तरीके से जो हम घरों की बात करते हैं या हाउसिंग की बात करते हैं तो वहाँ हमने कोई भी रेवोल्यूशन अब तक की नहीं तो हमने वो विजन या डॉक्यूमेंट किया ही नहीं है तो वो मकसद पर पहुंचने का सवाल ही नहीं आता हम एक मकसद को चुने हम कहें कि यहाँ हमें पहुंचना है हमें यहाँ जाना है तो हम वहाँ पहुंच सकते हैं हम वहाँ कभी सोचा ही नहीं है कि हम वहाँ पहुंचना चाहते तो नहीं पहुँचे ये बहुत ही आसानी बात है जो सरकार में चेंज हुई है विल प्रोबेबली सी न्यू पॉलिसीज कमिंग इन दी ऑनरेबल मिनिस्टर इज ऑलरेडी गॉन ऑन रिकॉर्ड टॉकिंग अबाउट पक्का हाउजिज फॉर ऑल बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू सोन एंड सोफॉर्थ फ्रॉम योर पर्सनल पर्स्पेक्टिव आप क्या देखते हैं कि द चेंज इन पॉलिसीज क्या ये सपना आम आदमी का अफोर्डेबल हाउसिंग का पूरा हो पाएगा जरूर हो सकता है इसमें कोई दिक्कत ही नहीं एक बार हम ये सोच विचार कर लें कि यहाँ ये मकसद पर हमें पहुँचना है फिर उसमें जो साधन हमें चाहिए वो हम यूज़ करेंगे आज की तारीख में घर बनाने में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है आवश्यकता नहीं है कि जो हमारे पास नहीं है जो मटेरियल हम यूज़ करना चाहते हैं वो भी यहाँ हैं कैपिटल की कोई कमी नहीं है एफ लोग डालना चाहते हैं आई लोग खरीदना चाहते अभी रीट्स शुरुआत होने वाली है तो आप देखें तो कैपिटल की जो कमी पहले होती थी प्रोजेक्ट्स के लिए वो भी नहीं है क्रेडिट्स बैंक्स दे सकते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार एक डायरेक्शन दे सकती है जहां कम ब्याज पर ऐसे मकानों के लिए ब्याज पर पैसे मिले या क्रेडिट मिले लोन्स मिल जाए और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको टैक्स डिडक्शन के माध्यम से या कोई क्रॉस सब्सिडी ब्याज की क्रॉस सब्सिडी से या कोई सहूलत से या इनकम टैक्स बेनिफिट से हम उनको ये साधन पहुंचा सकते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि ये मकसद पूरा हो सकता है यदि हम एक दृष्टिकोण सोच विचार कर लें और उसकी जो नेसेसिटी है जो हमारे रोड ब्लॉक्स है या जो साधन हमारी ज़रूरत है जो पॉलिसीज में हम चेंज करना चाहते हैं वो सब हम रास्ते पर डाल दें और जो अड़चन आए क्योंकि कोई भी मकसद पूरा करने में प्रॉब्लम्स तो आते ही तो वो प्रॉब्लम पूरे करने में जो रोड ब्लॉक्स आएंगे या स्पीड ब्रेकर आएंगे उनको हम हल कर दें तो वो एक बार हो गया तो हम कर सकते हैं एक मैं दाखिला देना चाहता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री 1962 में एक जय जवान जय किसान का एक नारा निकाला था जहाँ उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी तीन साल के अंदर जो हमारे देश डेफिसिट था फूड में वो सरप्लस हो गए हमने ये टारगेट किया कि किसानों को हम एग्रीकल्चर क्रेडिट देंगे फूड कॉर्पोरेशन क्रिएट किया एग्री नाबार्ड क्रिएट किया आ, बैंक लोन्स किए उनकी क्रॉस सब्सिडी दी नए सीड्स हमने क्रिएट किए और वहाँ उस समय हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं था कोई टीवी नहीं रास्ते नहीं थे गांव में जाने के लिए फिर भी हम दो तीन साल के अंदर सरप्लस फूड किए और आज तक सरप्लस है तो जब 1962 में हम ग्रीन रेवोल्यूशन कर सकते हैं तो जरूर हम इस काल में हम जरूर हाउसिंग रेवोल्यूशन भी कर सकते हैं जहां ये सब हम पूर्ण करें जी आपने अभी जिक्र किया फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज का एक इश्यू होता है होम लोन जिसमें पहला इश्यू आता है एलिजिबिलिटी दूसरा इश्यू आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर इश्यू आता है टैक्स बेनिफिट का और चौथा इश्यू आता है सबवेंशन का जो कि माननीय मंत्री जी ने इस समय मीडिया के सामने ये बात ने पेश की है कि सबवेंशन इज वन ऑफ द थिंग्स दे आर कंसिडरिंग इन चारों को मिला के क्या आपको लगता है कि वी नीड टू री होम फाइनेंस इन अ वे दैट बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव फॉर अ होम सीकर टू गो अहेड टेक द डिसन स्टॉप बिंग अ फैंसर एक्चुअली बाय होम आप देखिए इनकम टैक्स का बेनिफिट जो है वो डेढ़ लाख का है वो पांच लाख तक करने की आवश्यकता है जैसे आप हाँ देखेंगे कि जो ब्याज है एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई सबवेंशन हो जाए या कम ब्याज पर हो तो वो एक फायदा मंद हो ही सकता है तीसरी बात यह है कि जो प्रायोरिटाइजेशन लोन्स पर हैं वो आज रेंटल हाउसिंग पर भी होने चाहिए जैसे हम टैक्स डिडक्शन 30 परसेंट का करते हैं एक स्टैंडर्ड डिडक्शन रहता है जैसे हम रेंटल हाउसिंग पर देते हैं तो उसका 30% परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन हम मांग रहे हैं कि ये 50% परसेंट हो जाए तो ये ऑल आप एक साथ में आप रखें और एक प्रायोरिटाइजेशन दे दें कि हम छोटे मकान अफोर्डेबल मकानों के लिए हम ये इजी लैंडिंग कर देंगे और लॉन्ग टर्म लैंडिंग करेंगे ज़्यादातर लोग तो जल्दी पे पैक करते हैं रीपैक फिफ्टी परसेंट तो पेपैक जल्दी हो जाता है हिंदुस्तान में लेकिन फिर भी ये सब आप बेनिफिट्स दें तो आप देखेंगे कि ज़्यादा लोग घर खरीदने के कैपेसिटी में आ जाएंगे दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टेक्नोलॉजी की बात काफ़ी साल से चल रही है वी कीप टॉकिंग अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी इट स्टार्टेड ऑफ विद माई वैन एज अ शटरिंग सिस्टम then it went on to other forms of lost in form work construction and things of that so ye jo nayi technologies aa rahi hai isse kya waqai mein kuch fayda ho raha hai are we saving on time is that helping us make cheaper homes or better homes समय समय का constraint आते हैं जैसे माइवान आगे एक तो लेबर नहीं मिलता कड़िया नहीं मिलते आज के तारीख में हम construction करने जाते हैं तो आपको कड़िया मिलते ही नहीं सर इस पॉइंट पे आई थिंक इट इज़ सीरियस इनफ इश्यू फॉर मी टू टेक अ ब्रेक हम लौटते हैं ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं कड़िए को ढूंढना है वेलकम बैक हम बात कर रहे हैं श्री निरंजन हिरानंदानी से एम डी ऑफ द हिरानंदानी कंस्ट्रक्शंस कंपनी जिनसे हम बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और लेबर का अभाव सर आप बता रहे थे कि कड़िए तक मिलना आजकल मुश्किल है तो लेबर जो स्किल लेबर है वो हमें काफ़ी कठिनाई होती है ज़्यादा लोग इकट्ठा करने के लिए तो जब हमारे प्रोजेक्ट्स बढ़ते हैं तो हमें क्रेन यूज करने की आवश्यकता रहती है स्किल लेबर को हमें ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ रही है हम काफ़ी जो सरकार के प्रोग्राम्स हैं नरेगा जैसे प्रोग्राम्स हैं उसके कारण भी काफ़ी कम लोग आते हैं शहरों में ये काम करने के लिए तो ऑल इन ऑल आप देखा जाए तो काफ़ी कंस्ट्रेंट्स रहेंगे लेकिन एक बार हम ये सोचें कि हमें ज़्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट करना है तो हम वो मकसद को भी पूरा कर सकते हैं एक प्रोग्राम सरकार की है कि वहाँ भी हम कर सकते हैं जैसे हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़े या हमें लार्जर क्वांटिटीज ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग करना है तो उसको हम मिकेनाइजेशन कर सकते हैं प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं तो मेरे अंदाज से ये अलग अलग जगह पर अलग अलग किस्म के रास्ते हम निकाल सकते हैं और उसके रास्ते एक बार निकालने पर हम ये मकसद से पोट कहाँ हमें जल्दी मकान बनाना जहाँ हम हमें कम भाव में मकान बनाना जहाँ हमें कम एमिनिटीज दे के ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी क्रिएट करनी तो ये सब अलग अलग जगहों पर लोकेशंस पर अलग टाइप के मकान बनेंगे कहाँ लो राइज़ बनाएंगे कहाँ अर्बन एरियाज़ में हाई राइज़ बनाएंगे और ज़मीनों के दाम जो बढ़ गए हैं वो एक बहुत ही बड़ा अड़चन आ रहा है मेजर मेजर प्रॉब्लम है लेकिन सर आपने बताया कि मेकेनाइजेशन इज़ द ट्रेंड ऑफ़ द डे फॉर वेरियस रीजन या तो ये कि लेबर का अभाव है गांव से लोग शहर कम आ रहे हैं ये एक वजह है और एक स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ रही है जो कि भारत में ज़रूरत है कि हम लेबर को ट्रेन करें उसके लिए तैयार बनाएं आपने दुबई में भी एक प्रोजेक्ट किया था जहाँ पे आपने मेकेनाइज सिस्टम ऑफ वर्किंग पे काम किया था तो वो एक्सपीरियंस जो रहा उसमें से क्या लर्निंग है जो हम लोग इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दुबई की जो सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्शन थी ये 90 स्टोरी सेकेंड टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर इन द वर्ल्ड है तो वहाँ जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी अलग थी वो टोटली मेकेज सिस्टम पर रही लेकिन वहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका पूरा जो कॉस्ट कंट्रोल रहता है जो मैकेनिकल कंट्रोल रहता है जो लेबर के ऊपर काफ़ी एफिशिएंसी रहती है वो सिस्टम ही काफ़ी अलग है वहाँ इंडियन लेबर रहते हैं लेकिन उनकी एफिशिएंसी तीन गुना ज़्यादा रहती है वहाँ मटेरियल सेम होते हैं लेकिन उसकी एफिशिएंसी इन यूज़ ज़्यादा रहती तो हमें काफ़ी ये अनुभव आया है कि वहाँ की जो पॉजिटिव हैं हम यहाँ कैसे उपयोग करें एंड

इंडिया में एक हैदराबाद मॉडल की हम बात करते हैं जहाँ पे एक अनलिमिटेड एफ एस यूजेज है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आप इसके बारे में कुछ बताएं इज इट समथिंग वी कैन डू इन इंडिया एंड इफ यस हाउ डू वी बी इट इसमें दो बात है या एफ बढ़ा दें अक्रॉस द बोर्ड एक सुझाव केंद्र सरकार से आई हुई थी कि जहाँ हम फोर एफ पूरे देश में कर दें आई थिंक दैट्स अ गुड बिगिनिंग टू डू और दुबई की बात जो चल रही है वहाँ तो कोई एफ की कंट्रोल नहीं है और जो वहाँ की जो सरकार है वो जैसे ये मकान में हमने 40 एफ यूज़ की लेकिन साथ साथ में जब एफ बढ़ती है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता रहती है जैसे हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़े या आ, पानी की ज़रूरत है या आ, आ, स्कूल्स कॉलेजेस गार्डन्स ये वगैरह वगैरह हमें आवश्यकता रहती है सो so, एक होलिस्टिक प्लानिंग की आवश्यकता है जब हम हायर एफ एस आई जाएँ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जैसे हम टाउनशिप में पवई में हम डेवलप करते हैं ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर या शहर उसमें डेवलप कर करें और इंडिविजुअल बिल्डर्स बिल्डिंग्स बनाए तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स रहना चाहिए हैदराबाद इज द बेस्ट एग्जाम्पल इन इंडिया विच इज़ एक्सट्रीमली सक्सेसफुल उन्होंने तीन कंस्ट्रेंट्स रखे हैं अनलिमिटेड एफ पर एक है रोड विथ

एग्जाम्पल ये दिया जाता है कि इट इज़ ईजी फॉर गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसीज़ बट डेवलपर जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो काफ़ी अड़चने आती हैं आप एम सी एच आई क्रेडाई ये अलग अलग एसोसिएशन के मेम्बर प्रेसिडेंट रह चुके हैं फ्रॉम अ इंडस्ट्री परस्पेक्टिव कहाँ तक ये एसोसिएशंस गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचा पाते हैं कि यू नीड टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल एंड अलावस टू बिल्ड होम्स होमलेस कैन गेट होम्स मुख्य प्रॉब्लम यह रहा है कि हर एक आदमी ये समझता है कि रियल इस्टेट एक ऐसे फील्ड है जहाँ से हम पैसे खींच लें तो लोकल कॉरपोरेशन रहती है वो टैक्सेस बढ़ाते जाते हैं डेवलपमेंट चार्ज करते हैं फंजिबल एफ का चार्ज करते हैं इसके चार्ज है वैसे है लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन टैक्स है आ, स्टेट्स टैक्सेस स्टैम्प ड्यूटी लगाती है उसके ऊपर वैट लगा रहे हैं मल्टीपल टैक्सेशन वहां भी आता है और केंद्र सरकार फिर सर्विस टैक्स उसके ऊपर लगाती है और कंस्ट्रक्शन के ऊपर है सो ऑल दिस पुट टुगेदर आप देखा जाए तो लगभग फॉर एन अफोर्डेबल हाउस 31 टू 33 परसेंट ऑफ द कॉस्ट कम्स फ्रॉम टैक्सेस आइदर एट द लोकल बॉडी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स सो अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स 31 परसेंट ऑफ द कॉस्ट इज इन टैक्सेस सो एक अनलेस uh, इसकी रैशनलाइजेशन नहीं हो तब तक ये भाव कैसे कम होंगे बिकॉज इन्फ्लेशन तो चल रहा है जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं मटेरियल्स के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो ऑल इन ऑल इफ यू हैव टू क्रिएट लो एंड अफोर्डेबल हाउसिंग देन वी नीड टू रैशनलाइज टैक्सेज एंड ब्रिंग डाउन दीज प्राइसेज ऑल्सो स्कैरी नोट बट स्कैरी इनफ नोट टू टेक ऑन विल बी बैक कहीं जाइएगा नहीं वेलकम बैक हम बात कर रहे हैं श्री निरंजन हिरानंदानी से एक अहम मसले पर अफोर्डेबल हाउसिंग कैसे हो पाएगी और उसके लिए क्या क्या रास्ते हैं जो कि इंडस्ट्री की तरफ से वेदर इट इज़ एम सी एच आई क्रेडाई नरेडकोर एनी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज इन्होंने किस तरह से गवर्नमेंट के आगे इसे पुटअप किया और अब तक उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है सर आप इसके बारे में बताइए वट इज़ बीन योर एक्सपीरियंस वेन यू स्पोक विद रिस्िपेक्टिव गवर्नमेंट्स वी आर नॉट इन टू द पोलिटिकल फील्ड वी आर ओनली टॉकिंग ऑफ गवर्नेंस इंडियन गवर्नमेंट के साथ डेवलपर की तरफ से आपने जब भी बात करी वेदर एज एम सी एच आई क्रेडाई और नरेड को वॉट वॉज द रिस्पॉन्स लाइक अलग अलग जो गवर्नमेंट्स हैं या सरकार रहे हैं वो अलग अलग पॉलिसी के ऊपर ध्यान दिया है लेकिन एवरीबॉडी इज लुकड एट अ वेरी माइक्रो पार्ट ऑफ हाउसिंग आज मैं दांत साफ रखता हूं या डेंटिस्ट के पास जाता हूं तो दांत साफ रहता है लेकिन हमारे हार्ट में क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे या ब्रेन में क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे या स्टमक में क्या हो रहा है देख नहीं रहे तो, तो हाउसिंग में वैसे ही हो रहा है किसी का ध्यान जमीनों पर है किसी का ध्यान कंस्ट्रक्शन पर है किसी का ध्यान स्टैम्प ड्यूटी पर है लेकिन नो बडी लुक्स होलिस्टिकली कि हम पूरे देश की प्रॉब्लम्स जो सर हाउसिंग की प्रॉब्लम है या छत के प्रॉब्लम्स हैं हर एक का कैसे हम सुलझाएं वो कोई भी एक माध्यम पर एक कुर्सी पर ए, एक एक दृष्टिकोण से नहीं देख रहे तो जब तक ये होलिस्टिक व्यू नहीं होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे तो आप देखिए जमीनों का दाम अभी जो लैंड एक्विजिशन बिल आ गए है तो उसके कारण ये दाम बढ़ते जाएंगे दिस इज द लेटेस्ट मूव ऑफ गवर्नमेंट विच वॉज नॉट इन जैसे वो रेगुलेटरी बिल लाना चाहते हैं वो बोलते हैं कि दे वॉन्ट टू इंपाउंड सेवेंटी परसेंट ऑफ द मनी विच कम्स टू द डेवलपर नाउ इफ दैट इज डन दे विल बी नो लिक्विडिटी विद द डेवलपर अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग मोर प्रोजेक्ट्स एंड बैंक्स के नॉट लैंड एंड इम्पाउंड ऑल दिस मनी एंड स्टिल लैंड मोर मनी सो देर इज आर इश्यूज विच वी हैव टू एड्रेस लॉन्ग एंड इन शॉर्ट ऑफ इट सरकार को ये सब प्रॉब्लम्स एक साथ में लेना है और उनको एक साथ में सॉल्व करना है जब ये एक साथ में सॉल्व हो जाएगी जो जैसे हमारे पास आ, एक आ, Uh, टेलीफोनी में फ़र्क आ गया या एविएशन में फ़र्क आ गया ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में फ़र्क आ गया या ग्रीन रेवोल्यूशन में फ़र्क आ गया ये हर एक क्षेत्र में जह, जहाँ हमने परिवर्तन कर लिया है वैसे ही हम हाउसिंग में भी कर सकते हैं ठीक फॉर एग्जांपल हम क्या मांग रहे हैं केंद्र सरकार को ये मांग रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस हमें करें जैसे हम टाउनशिप और अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हैं तो हमको लॉन्ग टर्म फंडिंग चाहिए पंद्रह साल के फंक्शन चाहिए क्योंकि हमारा पच्चीस साल से तो पवई चल रही है मेरे अंदाज से इसमें क्या कोई गलत बात नहीं है जहाँ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स हो कोई एनवायरमेंट के कारण प्रोजेक्ट खड़ा हो गया या लेट हो गया तो उनको समय मिलना चाहिए रोल ओवर ऑफ़ फंड्स तो हम बैंक्स को या रिजर्व बैंक को कह रहे हैं कि ये आप रोल ओवर परमिट करिए रेंटल हाउसिंग आपके पास है रेंटल प्रमाइसिस है आपको लिक्विडिटी चाहिए तो आप सेबी से बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई से बात कर रहे हैं कि आप रीट्स लेके आइए तो उनको लिक्विडिटी मिल जाए हम फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये कह रहे हैं कि टैक्सेशन हम बेनिफिट इंडिविजुअल होम लोन्स को दीजिए उनको सबवेंशन दीजिए लोअर रेट्स ऑफ़ इंटरेस्ट आप कर दीजिए टैक्स डिडक्शन आप कर दीजिए बिल्डरों को है कि जो छोटे मकान बनाते हैं उनको ए का टैक्स रिलीफ लेके आइए और कोई मिस करे तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाए तो मेरे अंदाज से ये सब एक साथ में करना है तो आप क्या कर रहे हैं कहाँ आप एक प्रोजेक्ट के लिए चार एफ दे दिए और कहते हैं कि पूरा बॉम्बे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ऐसे नहीं होता तो इसमें हमें इंडिविजुअली केसेस नहीं करना है एक होलिस्टिक पॉलिसी करना है जो हर एक बिल्डर को मिल जाए और न कि बॉम्बे में उनको यहाँ से लेके कर पूना तक जो भी आप प्रोजेक्ट्स करते हैं उसको सब में फोर एफ एस आई दे दीजिए दी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कर दीजिए और लाखों के नंबर्स में आप मकानों बनाते गए तो एक पॉलिसी एक फ़ायदा हो जाएगा और लोगों को घर आसानी से मिल जाएगा आपने अभी कहा कि अगर ए बी की रिलीफ मिलती है और अगर कोई इसे मिसयूज़ करता है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए उससे मुद्दा निकलता है सेल्फ रेगुलेशन का एज अ लीडर इन द इंडस्ट्रीडेड रियल एस्टेट बॉडीज सेल्फ रेगुलेशन पर आपका अनुभव क्या रहा है मेन मकसद क्या है कि जब तक आप क्वान्टिटी इंक्रीज नहीं करेंगे नहींक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वंस यू इंक्रीज द वॉल्यूम द मार्केट फोर्सेज इज सेल्फ विल ब्रिंग डाउन द प्राइसेज एंड सेकंड इट विल ब्रिंग अबाउट मोर कंप्लाइंस वॉट यू आर डूइंग इज क्रिएटिंग शॉर्टेज यूर क्रिएटिंग मोर रेगुलेशन जब तक आप ये रेगुलेशन कम नहीं करते हैं और भी रेगुलेशन आप नहीं लाते हैं यू हैव टू प्रमोट हाउसिंग नॉट ओनली रेगुलटेड सो फर्स्ट प्रमोट हाउसिंग क्रिएट मोर हाउसिंग टेन थाउजेंड हाउसेज मेक टेन मिलियन हाउसेज और ऑटोमेटिकली लोग अच्छे घर बनाएंगे देवियर विल बी देर बिकॉज दे वॉन्ट टू सेल दो हाउसेज सो अनलेस यू डोंट प्रोपोगेट वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्शन Increase the number which is available over there, create policies of production, more production rather than more regulation. Because today everybody wants to regulate the industry. You want to catch the neck of the person and say, I want to punish you. That's not going to help to produce more. So, what you must encourage is first produce more and then, of course, bring about transparency so that every person who buys the flat gets full information about the flat, That's very well including carpet area. रेगुलेशन ऐसा ना हो कि आप किसी का गला ही दबा रहे strangulatory. Real Estate Regulatory Act का पहले जब draft circulate हुआ था मुझे याद है एक point पे आप बहुत नाराज थे जो कि आपने अलग अलग public forums में भी इस बात को दोहराया था was a provision in that कि अगर अंडर सर्कमस्टांसिस इफ अ डेवलपर इज फाउंड टू हैव कमिटेड सम एर तो इम्प्रिजनमेंट का कोई पॉइंट था जिसमें आप बहुत नाराज़ हो गए थे कुछ उसके बारे में पता है एंड वाई वाई इज इट दैट इट डजेंट मेक सेंस कोई भी आप यू सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज गवर्नमेंट चेंज इन पीपल चेंज इन ब्यूरोसी चेंजेस देर इज अर इज वॉट वी यूज टू कॉल एन इंस्पेक्टर राज बिफोर नाइनटीन नाइनटी वन रियल इस्टेट में वो इंस्पेक्टर राज चल रही है आपने दूसरे फील्डों में निकाल दिया इसलिए प्रोडक्शन सीमेंट का बढ़ गया स्टील का बढ़ गया ओवरऑल इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल का बढ़ गया और ये सब बढ़ गया लेकिन वो जो बाकी आपने निकाल दिया वो सब इंस्पेक्टर और रेगुलेटर को आप रियल एस्टेट में डाल दिए तो दोज पीपल हु डीलिंग विथ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री आर नाउ डीलिंग ओनली विथ रियल इस्टेट So, the inspector Raj, which was removed from the country in order to create production and it happened in industry and it benefited, has now all come into real estate. Whether through the environmental ministry background or whether height committee background or through the local body authority background or any other method or the state government various agencies background. This inspector Raj is. और ये रिस्पेक्ट राज तब तक आप नहीं काटोगे तो आपको उसका फल लोगों तक नहीं पहुंचेगा ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियन और बिल्डर के पास रहेगा तो अनलेस यू कट दिस ब्यूरोक्रेसी कट दिस पॉलिटिकल लॉबी एंड कट द बिल्डर मोनोपली एंड क्रिएट लार्ज वॉल्यूम्स विच इज अवेलेबल टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री लाइक इज है इन एवरी अदर सब्जेक्ट वाई कैंट यू डू इट इन रियल स्टेट वाई डू नीड फिफ्टी टू परमिशन

of course, a large amount of bureaucracy will have to be dismantled and a lot of new people will come into the business of business because people who are used to only getting permission raj will disappear. Yeah. so many of the builders are more adept at getting permission than doing construction. those will disappear. So, People will be less in Mantrale and less in uh, various uh, uh, departments of the government, of uh, various bodies, uh, urban bodies, and uh, other bodies. Rather, they will be busy doing the business of wooing the customer, making better buildings, and doing it like it has happened in every other industry. So, I am hopeful that Narendra Modi Sabho, Ho, Venkanaidu Saab Ho, Yeah, Hamari State ke Kafi Prasid leaders. Hain. Once this thing of wanting to control real estate and make money out of it is tempered and minimized. i think it's possible to achieve the objective. but if the objective is to still wanting to see that money is made out of this industry by wrong or right means while giving permission, i think the problem will continue. and some states will improve. and we have seen where policies have improved. the affordability has improved. So, I think a competition of states will automatically push the whole thing. But leadership has to be taken by certain states. And because land is a state subject. So I think more than Narendra Modi Saab, we will look forward to our states for leadership also. But he may set a general trend in the country as to which direction is to go. But ultimately, until the states do not take leadership, this cannot happen. Let us hope that. Uh... थिंग्स इम्प्रूव एंड दैट अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द कॉमन मैन बिकम्स अ रियालिटी वेरी सुन तो ये थे श्री निरंजन हीरानंदानी आपके साथ अगले एपिसोड में किसी और बिल्डर के साथ फिर से मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच वेरी हैप्पी टू बी विथ यू